नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे समुद्री सांपों के बारे में। समुद्री सांप कोबरा परिवार अलापिडे के अत्यधिक विषैले समुद्री सांपों की 60 से अधिक प्रजातियों में से कोई भी दो स्वतंत्र रूप से विकसित समूह है। सच्चे समुद्री सांप सब फैमिली हाइड्रोफिनाई जो ऑस्ट्रेलियाई स्थलीय अलापिड से संबंधित है, और समुद्री क्रेट सब फैमिली लेटिकॉर्डिने जो एशियाई कोबरा से संबंधित है। हालांकि उनका जहर सभी सांपों में सबसे शक्तिशाली है, मानव मृत्यु दुर्लभ है क्योंकि समुद्री सांप आक्रामक नहीं होते हैं, उनका जहर उत्पादन छोटा होता है और उनके नुकीले बहुत कम होते हैं। सच्चे समुद्री सांपों की 55 प्रजातियों में से अधिकांश वयस्क 1 से 1.5 मीटर 3.3 से 5 फीट लंबे होते हैं। हालांकि कुछ व्यक्ति 2.7 मीटर 8.9 फीट तक पहुँच सकते हैं। वे भारतीय और पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। पीले बेल वाले समुद्री सांप पेलामिस प्लेटोरस को छोड़कर, जो अफ्रीका से पूर्व में प्रशांत क्षेत्र से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक खुले समुद्र में पाए जाते हैं। अन्य सभी प्रजातियां मुख्य रूप से 30 मीटर लगभग 100 फीट से कम गहरे पानी में रहती हैं, क्योंकि उन्हें प्रवाल भित्तियों के बीच, मैंग्रोव के बीच या समुद्र के तल पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए समुद्र तल पर गोता लगाना पड़ता है। कुछ प्रजातियां कठोर तली कोरल पसंद करती हैं, जबकि अन्य नर्म तली मिट्टी या रेत पसंद करती हैं, जिसमें अपने शिकार का शिकार किया जाता है। अधिकांश समुद्री सांप ईल सहित विभिन्न आकार और आकार की मछलियों को खाते हैं। दो आदिम समूह जेनेरा एपिसुरस और एमिडोसेफालस केवल मछली के अंडे खाते हैं, हाइड्रोफिस ईल को खोदने में माहिर है। समुद्री जीवन के अनुकूलन में सच्चे समुद्री सांपों का एक चपटा शरीर होता है, जिसमें छोटी ऊर जैसी पूंछ, थूथन के ऊपर वाल्वुलर नथुने और शरीर की पूरी लंबाई का विस्तार करने वाले लंबे फेफड़े होते हैं। उनके तराजू बहुत छोटे होते हैं और आमतौर पर ओवरलैपिंग जुड़ा हुआ नहीं होते हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ फर्श के पत्थरों की तरह सटे होते हैं। आदिम प्रजातियों में पेट के तराजू आकार में कम हो जाते हैं, जबकि अधिक उन्नत रूपों में वे अनुपस्थित होते हैं। नतीजतन उन्नत प्रजातियां रेंग नहीं सकती और इस प्रकार भूमि पर असहाय हो जाती है। तैरते समय पेट के हिस्से के साथ एक उलझना बनता है, जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। समुद्री करैत की 6 प्रजातियां जीनस लेटिकोडा जलीय जीवन के लिए उतने विशिष्ट नहीं है जितने की सच्चे समुद्री सांप। विशिष्ट रंग पैटर्न में ग्रे, नीले या सफेद छल्ले के साथ काले रंग के वैकल्पिक बैंड होते हैं। पीले रंग का समुद्री करैत एल कुलुब्रिना एक सामान्य प्रजाति है, जिसमें यह पैटर्न होता है और इसमें पीले रंग का थूथन होता है। समुद्री क्रेट रात में होते हैं, मुख्य रूप से 15 मीटर 49 फीट से कम की गहराई पर ईल पर भोजन करते हैं। वे अपने अंडे देने के लिए तट पर जाते हैं, चूना पत्थर की गुफाओं और चट्टान की दरारों में चढ़ते हैं। वयस्कों की लंबाई औसतन 1 मीटर होती है, लेकिन कुछ की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक हो जाती है। कैद में लंबी उम्र का रिकॉर्ड 7 साल है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।